अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज आपको लेकर जा रहे हैं सराय मुहाजिर भक्खर। जी हाँ, ये है सराय मुहाजिर की तरफ जाता हुआ रास्ता, जो भक्खर से जहान ख़ान और जहान ख़ान से सराय मुहाजिर की तरफ जा रहा है। ये मेन रोड के ऊपर से हम जा रहे हैं और इस रोड को भक्खर रोड या जंग रोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरफ भक्खर और दूसरी तरफ जंग से मुंसलिक करता है। सराय मुहाजिर का पुराना नाम सराय कृष्णा है। ये काफ़ी कदीम है और ये पाकिस्तान की वो जगह या वो चौक है जो सबसे ज़्यादा अजला से इसको मिलाती है। जी हाँ, हम जा रहे हैं सराय मुहाजिर यानी पुराने सराय कृष्णा की तरफ। ये मेन रोड जो उसकी तरफ जा रहा है, लतीफ़ हॉस्पिटल और उसके बाद काफ़ी सारी यहाँ पर जो सीमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बन रही हैं, और अब हम पहुँचने वाले हैं सराय मुहाजिर। ये काफ़ी रश वाली जगह है क्योंकि यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का आना जाना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये मेन लिंक है बहुत सारे दूसरे अज़ला की तरफ। यहाँ पर आपको बर वक्त किसी भी सूबे की तरफ जाने वाली गाड़ी और मैक्सिमम अज़ला की तरफ जाने वाली का ट्रैफिक जो है वो मिल सकती है। देखिए, रोड के दोनों तरफ में आपको काफ़ी सारे जो है मोटरसाइकिल की शॉप्स नज़र आ रही हैं, जिसको हम कह सकते हैं शोरूम्स वगैरह, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बहुत सारी शॉप्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, तरक्की के हवाले से कोई ख़ास तरक्की नहीं है। यहाँ पर बहुत अशद ज़रूरत है कि रोड को बेहतर किया जाए। ये यहाँ पर रोड के सेंटर में एक मोनूमेंट लगा हुआ है। जी हाँ, ये साबका डीसी की तरफ से लगाया गया था, और ये कोई शिप का निशान है जिसके ऊपर, जो शिप के ऊपर लगाए जाते हैं वो व्हील से बने हुए हैं, और इसके ऊपर एक सितारा इम्तियाज़ है। ये देखें, ये रोड जो है, ये जो गाड़ी जो है, ये आपको लग रही होगी ये कराची की तरफ जाने वाली है। जी हाँ, यहाँ से आप किसी भी अज़ला की तरफ जा सकते हैं। एक तरफ मुल्तान है, डीजी खान है, और उसके बाद दूसरे जो क्या है प्रोविंस की तरफ भी रास्ता जाता है। ये रास्ता जो है, ये एक तरफ मियाँवाली रोड भी इसको कहते हैं, ठीक है, MM रोड, जो इसको मियाँवाली से भी मिल जाता है, ठीक है। मियाँवाली के बाद यहाँ पर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी जा सकते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से आप देख रहे हैं हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अशद ज़रूरत है सफाई की, सुथराई की और इसकी तरक्की की। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा चंद सालों में यहाँ पर मज़ीद बेहतरी होगी, लेकिन मैं तो पिछले कई साल से इसकी यही सूरत हाल देखता आया हूँ। हालाँकि जिस हिसाब से ये कारोबारी मरकज़ है, इसे बहुत बेहतर होना चाहिए था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।